आलमी बैंक के सालिसी फोरम एक्सीज में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। रेकोडिक मामले पर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट में पाकिस्तान ने 6 अरब डॉलर्स के जुर्माने पर मुस्तकिल हुक्म इम्तना हासिल कर लिया है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि आलमी बैंक ट्रिब्यूनल का रेकोडिक केस में पाकिस्तान के हक में फैसला बहुत बड़ा रिलीफ है। बैन अल-अक़वामी मुकदमेबाजी पर पाकिस्तान की कानूनी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ने बलूचिस्तान में ऑस्ट्रेलवी कंपनी बाक गोल्ड और चिली की कंपनी एंटोफगास्टा की मुश्तरका टिथियान कॉपर कंपनी को बलूचिस्तान में रिकोडिक के इलाके में सोने और तांबे के जखायर की माइनिंग लीज मनसूख करने पर पाकिस्तान पर जुलाई 2019 में 6 अरब डॉलर जुर्माना आयद किया था। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का कहना है कि पाकिस्तान ने एक्सीड के इस फैसले के खिलाफ नवंबर 2019 में अपील दाखिल की, जिस पर जुर्माने की अदायगी के खिलाफ अबूरी हुकुम में इम्तना जारी हुआ था। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ जुर्माने को कलअदम करार देने और अबूरी हुक्म में इम्तना को मुस्तकिल करने के लिए पाकिस्तान की अपील पर 20 अप्रैल 2020 को वीडियो लिंक के जरिए समाप्त हुई और 16 सितंबर को एक्सीड ने पाकिस्तान के हक में मुस्तकिल हुक्म में इम्तना जारी करने का फैसला दिया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक रिकॉर्डिंग मामले पर हतमी समाअत अब मई 2021 में होगी। वाज़ह है कि एक्सीड की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ 6 अरब डॉलर जुर्माने की रकम IMF के पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज के मसावी है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का कहना है कि पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल के तनाजुर में एक्सीड का मुस्तकिल हुक्म इम्तना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। दूसरी जानब चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने समाजी रबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर का जुर्माना अदा करने से रोक दिया है। वजीर आजम ने बलोचिस्तान हुकूमत को कानकुनी के फरोग के लिए हिदायत भी दी हैं। कानकुनी की तरक्की और मुनज्जम अंदाज में अमूर की अंजामदही के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इस्लाहात से मकामी सरमायाकारी और इंसानी वसाइल को फरोग मिलेगा।